नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टॉप अर्निंग टिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। दोस्तों, मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। सरकार आपकी फसल को खरीद लेगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने नया समर्थन मूल्य तय किया है, जिसके अंतर्गत वो आपकी रबी फसल को खरीद लेगी। तो आज वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस रेट से सरकार आपकी फसल को खरीदेगी। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं नए समर्थन मूल्य के बारे में, और साथ ही बताएंगे उन लोगों को ये जानकारी देंगे कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी ईजी है। आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपने घर पर अपने मोबाइल से ही अपना इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। तो कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए अपना, और ब्राउज़र पर टाइप करिए आप FCS। ये आपको ब्राउज़र पर टाइप करना होता है FCS.up.gov.in। इसको टाइप करने के बाद आप इसको सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप यहां इसको सर्च करते हैं तो विभाग की जो वेबसाइट है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो ओपन हो जाएगी। ये आपूर्ति एवं खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट है, यहां से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइए, और यहां आप देखेंगे कि खरीद हेतु किसान पंजीकरण न्यू के नीचे लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने खुल कर के आएगी। वहाँ पर आपको अपना पंजीकरण का यानी कि रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना है। तो यहाँ पर नंबर एक पर आपको दिख रहा है गेहूँ खरीद हेतु पंजीकरण, किसान पंजीकरण। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना पंजीकरण प्रक्रिया है उसको पूरी कर सकते हैं, या फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सारे रूल्स वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं। ये पंजीकरण एक से लेकर के 6 स्टेप के बीच में होता है। यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है कि कहाँ आपको क्या भरना है, क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मोबाइल नंबर की आपको इसमें ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस पर एक OTP आता है, वो बिना मोबाइल नंबर के नहीं आ पाता। तो आपको एक मोबाइल नंबर अपने पास रखना ज़रूरी है। वही मोबाइल नंबर रखें जो कि चालू हो, जिस पर मैसेज आ सके और जा भी सके, क्योंकि OTP के काम में आता है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर दिए गए हैं 6 स्टेप। ये 6 स्टेप में से आप सबको सबसे पहले फर्स्ट वाले पंजीकरण स्टेप पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाला पंजीकरण स्टेप ऊपर दिया गया है प्रारूप किस तरह का होता है। तो आप यहाँ पर जब क्लिक कर देते हैं तो ये आपके सामने PDF फॉर्मेट में खुल करके आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म आ गया। यहाँ पर आपको किसान का नाम और उसका विवरण, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, किसान का जिला, तहसील, ग्राम, किसान के बैंक खाते की जानकारी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ देनी है। कितना रकबा है, कितना क्षेत्रफल है आपके भूमि का, वो सारी जानकारी इस फॉर्म के अंदर आपको भरनी है। इसी तरह से स्टेप टू में आपको पंजीकरण का प्रारूप दिया गया, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर लिखना होगा, और नीचे यहाँ पर कैप्चा दिया गया है। उस कैप्चे को मैं आपको स्क्रॉल करके बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस कैप्चा को आपको यहाँ भरना है और आगे बढ़ने पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चा भर के आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको स्टेप 3 पर जाना है। ऐसे करते करते आप स्टेप 6 तक अपना पूरा प्रोसेस या पंजीकरण यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि पंजीकरण आपको FCS.up.gov.in पर जाके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आप जनसुविधा केंद्र या साइबर कैफे के पे जाके आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप फसल अपना बेचने के लिए जाते हैं तो आपको साथ में अपना पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ कंप्यूटराइज्ड खतौनी और फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के साथ जाना अनिवार्य रहेगा जहां पर आप अपना गेहूं विक्रय करेंगे। तो इसमें आपको सरकार 1925 रुपये
प्रति क्विंटल की दर से आपको यहाँ पर जो कीमत दे रही है समर्थन मूल्य, वो 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिल रहा है गेहूँ का। और भी फसल का अगर समर्थन मूल्य अपडेट होता है तो मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पंजीकरण करके 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना गेहूँ बेच सकते हैं। और ये सिस्टम खरीदने बेचने वाला 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन 6 से शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी ख़रीदारी 1 अप्रैल से होगी और 15 जून तक चलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।